हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। ये अब दोबारा से एक नोटिफिकेशन आई है और एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आई है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपका सभी समाधान हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले वेबसाइट पर आना है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे या नोटिस बोर्ड पर आएंगे। जब नोटिस बोर्ड पर आएंगे तो ये आ गया सबसे नोटिस वाला। नोटिस वाले में यहाँ पर आपको देख सकते हो नोटिस, यहाँ पे रिगार्डिंग डेट शीट, रुक जाओ, मेन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना। मेन एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर तो आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एग्जामिनेशन है, जो मेन एग्जाम होंगे अब रेगुलर वालों के लिए, जिसकी बैक भी आई है या वैसे भी, तो उनके जो जो एग्जामिनेशन फॉर्म हो वो 3 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में भरे जाएंगे। ठीक है भाई, 3 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में भरे जाएंगे। और ये तो हो गया। अब पेपर कब होंगे ये ध्यान रखना। पेपर के लिए अभी मैं बताता हूँ पेपर कब होंगे। ये एक सेकेंड रुको, पेपर के लिए आइए रे। तो ये नया नोटिफिकेशन आया पेपर के लिए, आपको बताता हूँ। ये बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो 2021-2021 के जो स्नातक एवं स्नातकों के जो सभी के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे 16 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। ओके भाई। और ये अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एग्जाम होंगे, पहले जो पेपर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो द्वितीय और तृतीय वालों अंतिम वर्ष के भरे जाएंगे। अभी फर्स्ट ईयर वालों का अभी कुछ नहीं आया। और इसमें ये बोला है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो अप्रैल के अंत में या मई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, अप्रैल के अंत में या मई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हें पता ही है कि मई में भी हो सकते हैं। तो ये अपनी तैयारी करो, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, कॉलेज से फॉर्म भरवाओ, जल्द से जल्द भरवाओ। ओके, तो अपनी तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों। ओके, अभी ये नहीं बोला कि MCQ वाले आएंगे क्वेश्चन या फिर वैसे अभी लिखित आएंगे, वो अभी बताया नहीं है। जब बताएंगे तो हम बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, जल्द से जल्द शेयर कर दो। ओके, धन्यवाद।